स्वागत है मित्रों, आपके अपने चैनल आप आई एस। मित्रों, यूपीएससी जो है लगातार मेंस के एग्जाम चल रहे हैं। मित्रों, ये जो वीडियो सीरीज हम बना रहे हैं, लगातार आप लोगों के मैसेज और आपकी प्रमुख डिमांड पे ये सीरीज बन रही है, जीएस पेपर 2, जो कि 21 सितंबर को हुआ है। मित्रों, कल ये किसी कारणवश जो है हम ये सीरीज बनाने में विफल रहे थे, तो आपकी लगातार मैसेज आए, तो आपकी ये प्रमुख डिमांड पर ये बनाई जा रही है, तो इसको पूरा देखें, अंत तक देखें। ये जो नए छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी जरूर देखें, क्योंकि आपको ये पता लगेगा इससे कि यूपीएससी आखिर क्वेश्चन पूछती किस तरीके से है, ये जीएस पेपर 2 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और कैसे आप आईएएस बन सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी जीएस में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, और इसका आईएएस बनने का यूपीएससी से जो रास्ता जाता है वो इन्हीं पेपरों के माध्यम से होकर जाता है। तो आपको ये वीडियो सीरीज पूरी देखनी है, और हम जल्द ही एक आंसर राइटिंग सेशन आपके लिए शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन रोज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए आप आईएएस के साथ। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि ये यूपीएससी ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम स्लाइड्स ना बना के हम यूपीएससी का जो मेन पेपर है हम उसी से आपको सीधे सीधे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम हॉल में क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं उसका अनुभव लाइव हो सके। तो देखिए मित्रों, आपके लिए जो है 3 घंटे निर्धारित हैं, 3 घंटों में अधिकतम अंक आपके पास हैं 250, ठीक है। तो ये जो 250 प्रश्न हैं वो आपको जो है किस प्रकार से हल करने हैं उसमें देखिए ये क्या कहती है। कुल 20 प्रश्न इसमें होंगे, जो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में होंगे। ये जो है बाइलिंगुअल सीरीज है, अभी हम आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाएंगे। 1 से 10 तक के क्वेश्चन 150 शब्दों के होंगे, और 11 से लेके 20 के जो होंगे वो 250 शब्दों के होंगे। तो इसमें देखिए मित्रों, यूपीएससी ने साफ कहा है कि आपको शब्द सीमा के अंतर्गत ही जो वो देना है आंसर देना है। देखिए मित्रों, होता क्या है, यूपीएससी की जो आंसर शीट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 यहाँ से शुरू हुई, तो ये यहाँ पे जाके आपकी जो वो हो जाएगी खत्म, और यहाँ पर से प्रश्न संख्या 2 होगा, यहाँ पे लाइन होगी। तो मित्रों, ये चारों ओर से इधर से भी लाइन होगी, इधर से भी लाइन होगी, तो ये बीच का एरिया जो होगा आपको इतने ही एरिया में जो होगा 150 शब्द अगर दिए गए हैं, तो आपको इसी स्पेस के अंदर लिखना है, आप इस स्पेस से बिल्कुल एक्सिट नहीं कर सकते हैं मित्रों। तो देखिए, अगर आपका कोई भी प्रश्न खाली छूट जाता है तो उस जगह को पूर्णतः आपको काट देना है। ये यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं एग्जाम हॉल में चले तो जाते हैं, मगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण उन्हें बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो लोग मेंस दे रहे हैं इस वर्ष, वो कृपया इस सीरीज को अभी ना भी देखें तो कोई वो नहीं, क्योंकि हम प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस बाद में करने वाले हैं। आप लोग अभी गंभीरता से जो है अपने मेंस की वो दें, मगर फिर भी आप अगर देखना चाहें तो आप समय निकाल के शाम के समय ये देख सकते हैं कि प्रश्न कैसे आए और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता था। तो देखिए, यही इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। देयर विल बी 20 क्वेश्चंस इन हिंदी एंड इंग्लिश, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा है, कंपलसरी का अर्थ ये है कि अगर आपको पास होना है तो आपको लगभग हर प्रश्न अटेम्प्ट करना है, तो आपको जो है कोशिश ये करनी है कि कम समय में आपको 20 के 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, जिससे कि आप क्या कर सकें, आईएएस बन सकें। तो देखिए मित्रों, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो होंगे, आंसर्स टू द क्वेश्चन 1 to 10 विल बी 150 वर्ड्स, वेयर इज द क्वेश्चन 11 to 20 विल बी 250 वर्ड्स। सो बट यू हैव टू डू हेयर, यू हैव टू डू द आंसर्स इन 150 एंड 250 वर्ड्स। तो आपको 10 क्वेश्चन 150 और 10 क्वेश्चन 250 वर्ड्स, तो आपको आंसर जो है अभी से प्रिपरेशन करनी है 150 और 250 वर्ड्स की। डेली का एक आंसर आप लिख के हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, जो कि आपको हम जल्द आगे प्रोवाइड कर देंगे कि आपको किस तरीके से आपने हमें जो है टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है मित्रों, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे आप कैसे जुड़ सकते हैं हमसे। तो वर्ड लिमिट शुड बी अधेयर्ड, और पोर्शन जो भी आप वो छोड़े उसको क्लियरली स्ट्राइक ऑफ कर दे। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं आप क्वेश्चन क्या यूपीएससी ने पूछे। देखिए, हाईलाइट द सेंट्रल एशिया एंड ग्रीसो बैक्टीरियन एलिमेंट इन गांधार आर्ट। देखिए मित्रों, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। देखिए, यूपीएससी हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछती है आर्ट एंड कल्चर का, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। गांधार कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। मित्रों देखिए, आपको जो है जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं उन्हें मैं एक बात बहुत डीपली सजेस्ट करूंगा, ये जो है बहुत से टॉपरों का अनुभव है, जो जितने भी मित्र मेरे टॉपर हैं और जो भी मेरे संपर्क में हैं उन सभी का ये अनुभव ये कहता है कि जो आपको ये करना है, आपको क्या करना है मित्रों, ये देखिए, जो भी
क्वेश्चन है उसको आपको इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि कई बार यूपीएससी जो होती है अनुवाद के लिए, हम टॉपरों का ये कहना है कि वो अनुवाद के लिए जो है मंगल ग्रह कई बार पहुंच जाती है, और उसका अनुवाद जो होता है वो इस तरीके का होता है कि यूपीएससी के टॉपर भी कई बार ये समझ नहीं पाते कि यूपीएससी ने अनुवाद क्या क्या है। सो बेसिकली वी यू हैव टू फोकस दैट हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट इन गांधार आर्ट। गांधार आर्ट आपको जो है, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ ले होंगे, तो आपको गांधार आर्ट की जो स्पेसिफिक जो आर्ट एंड कल्चर उसकी जो फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करना है, किसके कंटेक्स्ट में, ग्रीको बैक्ट्रियन और सेंट्रल एशियन कंटेक्स्ट में। तो मित्रों आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से टैकल करेंगे, डायग्राम्स का आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके के गांधार आर्ट के जो डोम्स और जो भी स्ट्रक्चर्स थे वो किस तरीके से थे। तो मित्रों पहला प्रश्न था, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं मित्रों। दूसरे प्रश्न पे देखिए मित्रों क्या कहा है, 1857 1857 का विलुप्त ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरम उत्कर्ष था, सुस्पष्ट कीजिए। अब मित्रों देखिए कितना कॉम्प्लेक्स इस ये यूपीएससी का, अगर ये क्वेश्चन कोई पड़ेगा तो उसके लिए कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मित्रों आपको बेसिकली क्या करना था, आपको सीधे सीधे इसमें क्या करना था, जाना था और इंग्लिश मीडियम पढ़ना था। क्या पढ़ना था, द 1857 अपराइजिंग वॉज कल्मिनेशन ऑफ रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियन दैट हैज अकर्ड इन द प्रिसीडिंग 100 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, इल्यूसीडेट। देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या था, इल्यूसीडेट, और आपको वर्ड करना है 150 वर्ड्स। देखिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये इल्यूसीडेट क्या होता है, ये क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है, ये सब चीज़ों के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको ये शब्दों का अर्थ पता चल जाए। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो आपको आईएएस बनाने के लिए कर रहे हैं, ना कि हम आईएएस बनने के लिए। देखिए मित्रों हमारा तो जल्द सिलेक्शन भी हो जाएगा, मगर आपके लिए क्या है, आपके लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको आप आईएएस के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आपको आईएएस बनना है। तो देखिए इसको आप किस तरीके से डील कर सकते थे, ये क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि जो छोटी छोटी अपराइजिंग हुई, चाहे वो संथाल रिवोल्ट हो, चाहे उससे पहले की जितनी भी रिवोल्ट हो, वो छोटी छोटी जो रिवोल्ट थी, ट्राइबल रिवोल्ट हो, जितनी भी रिवोल्ट हैं वो आपकी कुल मिला के जो है 1857 का जो बड़ा विद्रोह हुआ वो उसका कारण बनी। देखिए मित्रों कोई भी जो कहते हैं ना कि 1857 की क्रांति जो है पहली आज़ादी की जंग थी, इट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सम ऑफ द हिस्टोरियन लाइक बिपिन चंद्र दे क्रिटिसाइज इट, बट बेसिकली हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े एक, देखिए आप भारत का अगर नक्शा देखें, अगर भारत का आप नक्शा देखें तो मित्रों ये खाली यूपी के प्रोविंस में ये सिचुएटेड नहीं थी मित्रों, ये पूरे भारत वर्ष में जो है आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट बंगाल में था, थोड़ा बहुत बिहार में था। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि पूरे भारत वर्ष में इसका इम्पैक्ट था। तो आपको इस तरीके से ये दिखाना है कि ये जो रिकरेंट बिग है, कल्मिनेशन ऑफ रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियन, जो लोकल रिबेलियंस थे उनका जो है मिश्रण और उनकी जो विफलता है वो किसका कारण बनी, 1857। देखिए छोटी छोटी विद्रोह से क्या हुआ, बड़ा विद्रोह बना हमारा। जो आप आज़ादी की लड़ाई देख सकते हैं, 1947 से पहले कितने विफल विद्रोह किए, चाहे जलियांवाला बाग में हमारे जो है लोगों को मार दिया गया, मगर देखिए शहीद भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया, मगर देखिए अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, हमें 1947 में हमें आज़ादी मिली ना मित्रों। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी ट्राइबल रिवोल्ट जो हुई, संथाल रिवोल्ट हो गई, जितनी रिवोल्ट थी आपको सारी रिवोल्ट को दर्शाना है कि इनका क्या इम्पैक्ट था, इन्होंने बेसिकली क्या किया, सबके अंदर फ्रीडम की भावना जगाई, दूसरा क्या किया, इन्होंने जो है नेशनलिज्म की भावना जगाई, पेट्रोटिज्म लोगों के अंदर जगाया, ये क्या किया, लोगों को इंटीग्रेट किया, जात पात में जो भारत बटा हुआ था उसको क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया। 1857 की लड़ाई देखिए आप, सबसे पहले ही जो लड़ाई हुई वो किसके नेतृत्व में हुई, शाह आलम के नेतृत्व में हुई, वो कौन था, वो मुगल शासक था। तो मित्रों देखिए आप मुस्लिम और हिंदू का यहाँ पे कोई वो नहीं था, आपका क्या हुआ, हिंदुस्तान में एकता आई। हिंदुस्तान में एकता आने से क्या हुआ मित्रों, जो 1857 का रिवोल्ट था वो सफल नहीं हुआ, मगर उसने क्या किया, 1947 की रिवोल्ट के लिए रास्ता खोला। लोग देखिए आप इसकी सीधे सीधा उदाहरण आप क्या ले सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस की INA थी, उन्होंने उसका नाम क्या रखा, रानी झांसी ब्रिगेड, जिसके लिए एक महिलाओं की अलग से ब्रिगेड बनाई। तो
तो मित्रों ये क्या दर्शाता है, वो आज भी जो है 1857 जो है प्रेरणा स्रोत था। वैसे ही ये जो बड़े छोटे संथाल ट्राइबल रिवोल्ट हो गए, गड्डी के रिवोल्ट हो गए, और जितने रिवोल्ट थे ये क्या बने, ये कारण बने 1857 की रिवोल्ट का। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, 19वीं सदी का भारत भारतीय पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय पहचान का उद्भव के मध्य सैनलागताओं का परीक्षण कीजिए। देखिए मित्रों कैसा टिपिकल यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन बना दिया। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, देखिए कितना इजी हो जाएगा। एग्जामिन द लिंकेज बिटवीन 19th सेंचुरी एंड इंडियन रेनेसा एंड इमरजेंस ऑफ अ नेशनल आइडेंटिटी। अब इसमें आपको क्या, देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन था। और यहाँ पढ़िए, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय पहचान के उद्भव में मध्य सहलग्नताओं, इतने टिपिकल शब्द इसने यूज किए हैं कि अगर हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का अगर कोई छात्र ना हो तो देखिए आप जो है वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे यूपीएससी ने ये क्वेश्चन को वो करा है। तो देखिए मित्रों इसमें क्या करना है आपको, आपको 19वीं सेंचुरी में जो इंडियन रेनेसा हुआ वो नेशनल आइडेंटिटी का, इंडियन रेनेसा में आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन रेनेसा आया। देखिए आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर सकते हैं, आप राजा राम मोहन रॉय में सती का स्टेबल मतलब एबॉलिशन के लिए जो उन्होंने काम किया उसकी बात कर सकते हैं, आप महात्मा गांधी की अनटचेबिलिटी की हटाने की बात कर सकते हैं। तो ये सब मिला के क्या हुआ, एक नेशनल कैरेक्टर जो है वो इवॉल्व हुआ। नेशनल कैरेक्टर इवॉल्व कैसे हुआ, राष्ट्रीय मतलब जब आप जात पात में बटे हुए होंगे, अंग्रेजों की बेसिक नीति क्या थी, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल से आप बाहर आए, आप में क्या हुई, एकता आई, आप जात पात से बाहर देखने लगे और एक पुनः जागरण का काल भारतीय समाज में पैदा हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हुआ आपका जो है आप जो है आगे बढ़े, तो क्या हुआ इससे राष्ट्रीय वो हुआ। मुझे लगता है आप इसका आंसर भी अब बखूबी लिख सकते हैं। तो अब देखिए आगे क्या है, एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ। देखिए कोरल लाइफ क्या होती है, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है जो होता है वो 27 to 30 डिग्री होता है, और जितने भी सी लेवल, देखिए कोरल ब्लीचिंग जो होती है उसके कारण क्या होते हैं, सी लेवल टेम्परेचर में राइज होना, सी लेवल कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, वो जू जेंटाइल एलगी और उसका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कोरल पॉलिप्स का। तो देखिए ये आपस में वो रहते हैं, जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग का पानी होता है तो इनका जो बीच का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, तो इससे क्या होता है कोरल जो होता है मर जाता है, और ये क्या होता है इससे कोरल ब्लीचिंग होती है। मित्रों समझ गए होंगे, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट कोरल ब्लीचिंग के विथ एग्जाम्पल देने हैं। तो आप दे सकते हैं थोड़े से कोरल आइलैंड अंडमान निकोबार में है, और जो मेजर आप ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जो बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ हम उसे बोलते हैं, वो किस तरीके से जो है मित्रों वो हो रही है, खत्म हो रही है। तो मित्रों आप समझ चुके होंगे ये आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग द कोस्टल इकोलॉजी। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, मैनग्रोव जो होते हैं वो ट्रांजिशन जोन होते हैं, किसके बीच में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बीच में और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में। और ये मैनग्रोव कहाँ पे होते हैं, ये स्वैम्प और मार्सी रीजन में होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैनग्रोव फॉरेस्ट भारत में पाए जाते हैं वो सुंदरबन डेल्टा के आसपास पाए जाते हैं। तो मित्रों आपको ये क्या करना है, इसके कारण क्या है, इसके कारण ये है कि जो है एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड हो रहा है, मैनग्रोव जो है आपके इसलिए डिप्लीट हो रहे हैं क्योंकि सी के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे जो है अतिक्रमण बढ़ रहा है, एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड इज राइजिंग, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉपुलेशन राइज हो रही है। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम्स को इनम्ब्रेट करते हुए आपने एक आंसर लिखना है, शायद आप समझ चुके होंगे कैसे लिखना है। तो आप ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लिख के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैन आर द स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इसका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगर आपका स्टील अगर ज्यादा होती है तो वहां पे स्टील का डेवलपमेंट, स्टील प्लांट का डेवलपमेंट जो है वो किया जाए, और इससे क्या होगा जो आपका जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखिए बहुत जाहिर तौर पे जो है ये आप वो कह सकते हैं कि ये अच्छा प्रयास हो सकता है, मगर इसके क्रिटिसिज्म आपको क्या करना है, आप दोनों को जो है आपसे इसने कहीं पे कोई वर्ड नहीं लिखा है, क्रिटिकली एग्जामिन नहीं लिखा है, एनालाइज नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे दोनों प्रोज और कॉन्स लिखेंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि चाहे वहाँ पे एक रिसोर्स हो सकता है, मान लीजिए कि आयरन ओर वहाँ पे अवेलेबल है मगर वहाँ पे कोल अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके लिए कोल इम्पोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। आप वहाँ पे सेंट्रल प्लेस थ्योरी का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मार्केट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, और वहाँ पे रिसोर्स का होनी चाहिए, वहाँ पे मार्केट होनी चाहिए, वहाँ पे लोग होने चाहिए,
पॉपुलेशन आपकी खपत के लिए कस्टमर होने चाहिए, और जो है एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मित्रों ये सब चीज़ें लिख के आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो आप मुझे लगता है ये आंसर भी लिख लेंगे मित्रों। तो आगे देखिए, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे देखिए मित्रों आपको क्या करना है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसको आपने उसके ऊपर आपने कमेंट करना है। तो देखिए मित्रों ये नॉर्थ हो गया, ये यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो भी आपका जो है कि किस प्रकार से जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब कि कृषि आधारित जो, यानी कि ये पंजाब वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, तो आप इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर से शुरू करें कि हिस्टोरिकल फैक्टर क्या थे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये एरिया में जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुई। उसके बाद आप दे सकते हैं कि प्रेजेंट डे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल है, फार्मर फेवरेबल पॉलिसीज हैं, और ये एग्रो बेस्ड पॉलिसी का यहाँ पे लोकलाइज्ड होने का क्या कारण है मित्रों। लोकलाइजेशन का ये कारण है क्योंकि यहाँ पे पंजाब जो है पांच रिवर का जो है वो गढ़ माना जाता है यहाँ पर देखिए, तो पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ लगातार है, इरिगेशन बहुत अच्छा है, ड्रेनेज बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के कितने पॉइंट है मित्रों, आप इस क्वेश्चन को कितना देखिए, कितने सरल से क्वेश्चन है, बस आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सारे पॉइंट याद रहे और आप इन पर दिमाग लगा के चले तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अब देखिए आठवां क्वेश्चन आ जाता है आपका, इंडियन सोसाइटी इज यूनिक सस्टेनिंग कल्चर। देखिए अब आप देख लीजिए, पिछले बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ फार द इंडियन कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द मेसोपोटामियन कल्चर दैट वॉज प्रेविलेंट 1500 ईयर्स एगो। तो इसमें यूपीएससी का बेसिक मोटो ये था कि मेसोपोटामियन कल्चर और इजिप्टियन जो सोसाइटी थी जो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मगर इंडियन सोसाइटी जो है सेल्फ सस्टेनिंग है। इसका आप उदाहरण दीजिए, देखिए ये यूपीएससी ने उसी से क्वेश्चन निकाला है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मित्रों। तो आप इसको क्या कैसे दे सकते हैं कि हजारों साल से आज इंडिया की आइडेंटिटी बनी हुई है, आज इराक ईरान में जो है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, अफगानिस्तान में जो है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, मगर आज भारत जो है आज हम किसी भी प्रकार से बड़े रीजनल क्राइसिस से हम जो है दूर हैं, आज भारत इंटीग्रेटेड है, हमारा जो कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो बरकरार है, हमारे देखिए लोग जो है हम आज भी टेम्पल्स में पूजा करते हैं, मॉस्क जो है वो आज भी हमारे वहाँ बरकरार हैं। तो हमारी जो पूजा पद्धति से लेके जो भी हमारे रिलीजन कस्टम है ट्रेडिशन है वो आज तक नहीं बदले मित्रों। तो हमारा जो कल्चर है वो लगातार जो है क्या है फ्लरिशिंग हो रहा है उसमें हमने, क्योंकि इसका कारण क्या है, देखिए हमारे वहाँ जो है आप कह सकते हैं एक सेंट की जो धारा थी, देखिए कोई भी रिलीजन अगर होता है, रिलीजन की दो पार्ट है देखिए, एक तो टेक्स्टुअल है जो कि आपके फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, एक है आपका सेंट। देखिए सेंट जैसे आपके, जैसे ही इन्हें आप कह सकते हैं कि रिलीजियस रिफॉर्मर कह सकते हैं, जैसे कि आपके कबीर हुए, जैसे आपके आप ये कह सकते हैं कि कबीर के अलावा स्वामी विवेकानंद जी हुए, और आज के युग में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो संतों की धारा है वो श्री श्री रविशंकर और जो ये जितने सदगुरु हैं इन्होंने जो है वो संतों की धारा अभी भी बरकरार रखी हुई है, हिंदू रिलीजन में जो भी रिफॉर्म्स हैं उनके लिए ये लगातार प्रयासरत हैं। तो आप ये बहुत से रिसेंट एग्जाम्पल देके आप इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। तो देखिए एम्पावरिंग वुमेन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए अब ये बहुत सारी यूपीएससी ने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर एक देखिए बहुत सी रिसेंट में बहुत डिबेट में है, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट भी अभी रिसेंट में एक बिल लाई थी जिसमें कि सरकार ने बैन कर दिया था 3 बच्चे वालों को कि आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मगर सुप्रीम हाईकोर्ट ने जो है सरकार के आदेश को जो है वो कर दिया। आप इसका भी एग्जाम्पल कोट कर सकते थे। तो देखिए आप इसमें क्या कह रहा है कि वुमेन को एम्पावर करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे, अगर वुमेन एम्पावर्ड होगी तो वो वर्क प्लेस में ज़्यादा होगी, और WHO की ये रिपोर्ट कहती है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR जो है वो वर्किंग वुमेन का जो है हाउस होल्ड वुमेन से कम है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो फर्टिलिटी रेट है वहाँ पे स्ट्रेस्ड कंडीशन में जो होता है वुमेन का फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, वहीं वुमेन जो होती है वो ज़्यादा एजुकेटेड होने के कारण जो होती है वो क्या करती है, जो बच्चों की उसकी इच्छा होती है वो ज़्यादा बच्चों से वो चाहती है कि कम बच्चे हों, और जो है इससे क्या होता है पॉपुलेशन कंट्रोल भी होता है और फैमिली भी वेल प्लान्ड हो जाती है। तो मित्रों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो सेशन डाउट के लिए आपके लिए अलग से लाइव सेशन कर सकते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस टू द कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। देखिए सेक्युलरिज्म जो है भारत में बहुत सा डिबेटेबल टॉपिक है, इसको बहुत से लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं।
चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। देखिए कल्चरल प्रैक्टिसेस को चैलेंजेस क्या क्या हैं, देखिए आप देखिए उदाहरण दे सकते हैं कि बहुत सारी धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, मगर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारा जो है बेसिक फीचर है हमारा ये, मगर कल्चरल प्रैक्टिसेस में हमारे ये बहुत सा रोड़ा जैसा आ जाता है। आप देखें कि कई बारी जो होता है जो आपके रैलीज वगैरह होती है उनके लिए रीजनल जो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए कई बारी जिला प्रशासन आदेश नहीं देता है। दो हमारे फंडामेंटल राइट में भी जो है ये कहा गया है आर्टिकल 17 में कि राइट्स कम विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मगर मित्रों इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि चैलेंजेस आपको डिनोट करने हैं, जैसे कि जो है मतलब फंडामेंटलिज्म का राइज होना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, आपको ये सब चीज़ें डिनोट करके आप इसमें जो है रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ARC कमेटी की रिपोर्ट आप कमेंट करके लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा आप पॉइंट लिखेंगे उतना अच्छा आपका आंसर होगा। समझ सकता हूँ कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। मैनी वॉइसिस हैव स्ट्रेंथन एंड एनरिच द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गार्डियन फेज। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि केवल गांधी जी, मैनी वॉइसिस हैज स्ट्रेंथन एंड एनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। देखिए ये कह रहा है कि केवल गांधी जी, मतलब आप क्वेश्चन को अगर कोई इंटरप्रेट करेगा गलत इंटरप्रेट किस तरीके से कर लेगा मित्रों, आप देखिए मेरे हिसाब से जो गलत इंटरप्रेट वो करेगा कि गांधी जी के अलावा जो है बहुत सारी वॉइसिस उस टाइम उभ रही थी तो उन वॉइसिस के ऊपर वो करना है, मगर आपको क्या करना है गांधी जी के साथ साथ जो वॉइसिस उठ रही थी, चाहे वो एनी बेसेंट की मूवमेंट थी, चाहे वो अन्य लोगों की मैडम भिकाजी कामा की जो मूवमेंट थी, चाहे और जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर थे, फॉरेनर से भी हमें सपोर्ट मिल रहा था, हमें लाल बाल पाल का जो ग्रुप है रेडिकल ग्रुप उससे सपोर्ट मिल रहा था, हमें और लोगों से सपोर्ट मिल रहा था, हमें रेडी यहाँ पे कांग्रेस में जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे वो साथ आके चल रहे थे, तो मतलब सबकी एकता का परिणाम जो था वो फ्रीडम स्ट्रगल था। मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से हल कर लेंगे, क्योंकि हम आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। अब आंसर लिखना आपका काम है, आप जल्दी से इनके सारे आंसर लिखिए। अब देखिए मित्रों आगे का क्वेश्चन क्या है, एक्सेस द रोल ऑफ इम्पीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर पावर ड्यूरिंग 1940। देखिए अब ये रोल किसका हमें डिनोट करना है, ब्रिटिश इम्पीरियल पावर का, जो जिसने क्या किया ट्रांसफर ऑफ पावर को कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब ये बेसिकली किसके ओर वो कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है मित्रों। कैसे जम्मू एंड कश्मीर से कैसे रिलेटेड है, आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो ये किस पे बेसिकली फोकस कर रहा है कि कॉम्प्लिकेट इशू किसका हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का इशू हुआ। तो इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आप कम्युनल इलेक्टोरेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप कम्युनल अवार्ड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप ये दे सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपका एनफील्ड राइफल जो है वो लाई गई, और किस तरीके से जो है भीमा कोरेगांव इशू को जो है मतलब हाईलाइट किया गया, और उनको जो है दलितों को और हिंदुओं को में भी बांटने की कोशिश की गई, तो पूरा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ऊपर, और आपको बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली फोकस है, तो आपको इस हिसाब से आंसर देखना है। तो देखिए एक्सप्लेन द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड लेड बाय अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आपको देखिए अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी की बात करता है, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है आपको पूरे वर्ल्ड को जो है फ्रीडम के गोल्स देता है, तो इसका क्या रोल था इंडियन में, इंडिया में जो है बहुत सारे जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो एक्सपायर हो इंस्पायर होके जो है आप देख सकते हैं उस टाइम पे जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान ने जो है आपका श्रीनागपट्टनम में जो है वो लगाया था, जिसे उन्होंने कहा था कि ट्री ऑफ लिबर्टी नाम से उन्होंने एक ट्री प्लांट किया था। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देखिए, अगर आप आंसर लिखे ना मित्रों बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा, और आपको UPSC क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप AIA से आप जुड़े जुड़े रहिए। तो देखिए जल प्रशिक्षण, जल प्रतिबल वाटर स्ट्रेस क्या मतलब है, भारत में यह किस प्रकार से कारण प्रापदेशित भिन्न भिन्न है, वट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड वाई डू इट डिफर रीजनली इन इंडिया। आप देखिए मित्रों ये क्वेश्चन कितना सरल सा क्वेश्चन था, और इसका
क्या समझ क्या अर्थ आप निकाल सकते थे। तो देखिए, वाटर स्ट्रेस की जो है अभी अभी जो है पूरे संसद में हंगामा हुआ है। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी इसके ऊपर गठित हुई है। इसके ऊपर जो है सीएम का जो है एक सीएम का एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है। चीफ मिनिस्टर कमेटी जो है वो इसको एग्जामिन कर रही है। तो आप इन सब कमेटी की जो है रिपोर्ट के आधार पे जो है वाटर स्ट्रेस दिखा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक इंडिया का आप एक छोटा सा मैप बना लेंगे मित्रों। ये थोड़ा सा स्क्रीन में बनाना ये पॉसिबल नहीं है, तो आप ये थोड़ा सा इंडिया का ऐसे मैप बना देंगे। यहाँ पे आप दिखाएंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थन इंडिया में जो है आप जो है थोड़ा सा जो है क्या करेंगे, नॉर्थ इंडिया में जो है वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ को ये पंजाब का एरिया जो है वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी है। वहीं देखिए आपका जो नदन एरिया है वहाँ पे क्या है, वाटर की जो रिवर्स हैं वो फ्लोइंग कम है, तो वहाँ पे जो है वाटर की स्कार्सिटी का जो है महाराष्ट्र वाले एरिया में और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं क्या होता है, देखिए आपका जो राजस्थान का एरिया है, आप राजस्थान का एरिया ले लीजिए, ये यहाँ का एरिया, तो राजस्थान के एरिया में जो वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन है, तो पूरे एरिया को आपने एनालाइज कर देना है ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली। तो मित्रों मुझे लगता है कि ये 5 क्वेश्चन लगातार बचे हुए हैं। आपको ये 5 क्वेश्चन हम दिखा देते हैं कि क्या क्या है, इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं, पूरे डिटेल में हम आपको बता रहे हैं, मतलब पॉइंट हम आपको बता देंगे। देखिए, हाउ इज़ द माउंटेन इकोसिस्टम रिस्टोर्ड फ्रॉम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ टूरिज्म। माउंटेन इकोसिस्टम किस तरीके से रिस्टोर किया जा सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टूरिज्म से। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, माउंटेन में जो होता है इको टूरिज्म को आप प्रमोट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है माधव गाडगिल कमेटी की आप रिपोर्ट दे सकते हैं कि माधव गाडगिल कमेटी ने इको सेंसिटिव जोन को ये डिस्क्राइब किया था, जिसके बाद के कस्तूरी रंगन की कमेटी की रिपोर्ट आई थी। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि माउंटेनियस रीजन में जो है आप जो है जो ज़्यादा वल्नरेबल रीजन है तो आप उनको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, बायोपार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। और किस तरीके से हम रिस्टोर करने हैं इसके लिए, आप देखिए बोन चैलेंज के ऊपर हम रिस्ट्रेस कर सकते हैं और वेरियस जो है। अभी आप ये क्वेश्चन देखिए मित्रों, कहाँ से डिराइव हुआ, फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर, रिसेंट में फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट के ऊपर जो है सरकार ने कहा था इविक्ट कर दो इनको। तो ये देखिए मित्रों यहाँ से क्वेश्चन हुआ, तो इसीलिए कहा जाता है कि करंट अफेयर से। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है उनको इन हार्मनी में रहने दिया जाए, सेक्रेट ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। मित्रों ये शब्द आपको अब भले ही अभी नए लग रहे हो, मगर आप आईएएस की टीम से जुड़े रहिए, आपको जल्दी ही इसके ऊपर आप इतने कमांड में हो जाएंगे कि हाँ आप कहेंगे कि हम कोई भी आंसर आए हम टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बनना है आईएएस। तो हाउ इज एफिशिएंट एंड एफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू द रैपिड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो देखिए एफिशिएंट एंड एफोर्डेबल अर्बन एरिया में जो है मास ट्रांसपोर्ट जो है वो कितना रैपिड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया जो के जो है वो एफिशिएंट और एफोर्डेबल है। तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसपोर्ट इंडिया की इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में जो है किस तरीके से योगदान देता है। देखिए ट्रांसपोर्ट जो है आपका सब चीज़ में, अगर आपकी जो पेरिशेबल गुड है यानी कि खराब होने वाले गुड्स हैं जैसे कि टमाटर है आलू है, अगर इसको समय से जो है ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया तो देखिए सर फार्मर्स का नुकसान हो जाएगा और इकोनॉमी का जो है जीडीपी प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। अगर जीडीपी कम होगा तो देखिए मतलब पूरे देश का नुकसान हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आपका कैसे काम कर रहा है, आपका एक तो गुड्स की अवेबिलिटी सारी जगह मेंटेन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ये गुड्स की अवेबिलिटी का मेंटेन कर रहा है, वहीं ये क्या कर रहा है फार्मर्स को प्राइस दे रहा है और आपका और भी बहुत से काम कर रहा है। तो मित्रों आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बेसिकली फोकस करके आपको ये पूरा आंसर लिख देना है। तो 17वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ डू द ओशन करंट एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट इन मैराइन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरमेंट, गिव विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ओशन करंट और वाटर मासिस का डिफरेंट डिफरेंट रोल क्या है। ओशन करंट क्या होते हैं मित्रों, हाँ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द ओशन इज नोन एज ओशन करंट। वहीं वाटर मासिस क्या हुए, जैसे कि एक पर्टिकुलर वाटर का जो है एक पर्टिकुलर मान लीजिए कि पोलर रीजन पे कोई वाटर है तो उसकी जो क्या होगा, वो पोलर से जब इक्विटोरियल रीजन को आएगा तो वो क्या होगा, कोल्ड कोल्ड वाटर मास होगा, है नहीं। तो ये वाटर मास क्या है, एक रीजन से पूरा वाटर का जो है लेयर का आना उसको वाटर मास कहते हैं, और ओशन करंट क्या है, स्ट्रीम ऑफ वाटर है। तो आप इनके दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट आप डिस्कस कर दीजिए, कितना सरल सा क्वेश्चन है देखिए। तो देखिए मित्रों आगे के अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स इन स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन।
इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल। देखिए आप कल्चरल पॉकेट्स का मतलब यह है कि आप यहाँ पे मैप बना के दिखा सकते हैं कि वाराणसी में एक कल्चरल पॉकेट है, नासिक में एक है, और इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चरल पॉकेट हमारे पास हैं, हाँ तो आप वो दिखा सकते हैं। इसके बहुत सरल सा क्वेश्चन है, तो आगे देखिए। व्हाट कंटिन्यूड चैलेंज फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट द टाइम ऑफ और एंड स्पेस। तो देखिए मित्रों, इसके ऊपर बहुत अच्छा डाटा आया था अभी अभी, अगर आप अखबार लगातार पढ़ लेंगे तो आप देख सकते हैं इंडियन नेवी में जो है मात्र जो है 1:16 जो है रेशियो है किसका, वुमेन पायलट्स का, और वुमेन जितने भी मतलब एम्प्लॉयज है आप अगर एक्सक्लूड कर दें नर्सेज और उनको, तो मतलब स्टाफ और जितनी जॉब्स है उसमें वुमेन्स का रेशियो कितना कम है। वहीं यहाँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की जो रिपोर्ट है, और जिसमें कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने जो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कहा है कि वो 1/6 भी नहीं है, तो आप ये रिपोर्ट कोट कर सकते हैं। ARC की रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आप कोट कर सकते हैं। तो आप इन रिपोर्ट्स के आधार पर जो है आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप रिपोर्ट्स के साथ साथ WHO की रिपोर्ट कर सकते हैं, और जितनी भी ग्लोबल लेवल पे जो NGOs हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उनके आधार पे, ASER रिपोर्ट में जो वुमेन और मेल का जो है गैप आपको वो करा है वो आप देख सकते हैं। तो मित्रों कुल मिला के कितने अच्छा आंसर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यही सब पॉइंट लिखने थे। अब अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं। डू वी आर लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी डिस्कस। ये देखिए मित्रों सिलेबस में साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के तौर पे जो है हम क्या अपनी रीजनल आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं, डिस्कस करना है मित्रों। तो डिस्कस किस तरीके से हम करेंगे कि वास्तव में ये हो रहा है कि जो है एक इंडिजिनस कल्चर हमारा खोता जा रहा है, आप पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, अपने रीजनल एथोस जो हमारे हैं कि इंटीग्रिटी कंपैशन, आप एथिक्स पेपर 4 को थोड़ा सा यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि इंटीग्रिटी कंपैशन, जो नॉन वायलेंस की जो एक्टिविटी थी वो हमारे वहाँ कम हो रही है, और आज हम यूथ भी जो है रेडिकलाइज हो रहा है। तो मित्रों कितने तरीके से आप देखिए डायमेंशन आपको ब्रॉडर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको वो करने हैं, और आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके ऊपर मैं एक डिटेल सेशन बना रहा हूँ जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी के आधार पे है, तो आप वो सेशन पूरा देखिए। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। मित्रों हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर हमारे हमसे जुड़ना है तो आप किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9999494360। आप इस पे जो है हमें नंबर पे जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका नंबर और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो मित्रों जुड़े रहिए आप IAS से, क्योंकि आपको लगातार हम ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको डिस्कस करेंगे, और ये पूरी सीरीज आपको देखनी है क्योंकि आपको IAS बनना है, तो ये सीरीज आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि UPSC किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तो मित्रों धन्यवाद, आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, वरना मित्रों हमें जो है प्रोत्साहित नहीं होंगे कि आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाएं। अगर आपको वास्तव में लग रहा है हमारा इनिशिएटिव आपको लेकर है तो आप ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हम भी आपकी मदद करने में जो है खुशी हो सके। धन्यवाद मित्रों।